बताइए, जो देश भारत की एकता सहिष्णुता का गाना गाते नहीं थकते थे, उन मुस्लिम देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर लिया। जो देश भारत के सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं, उन देशों ने भारत के बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बीजेपी के दो प्रवक्ताओं की मूर्खता के कारण खाड़ी के देश भारत के खिलाफ एक के बाद एक खड़े होते ही जा रहे हैं। अब तक ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित कम से कम 15 देशों ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई बीजेपी प्रवक्ताओं की अभद्र, अनैतिक, भौंदी, भद्दी और बेढंगी टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज करा चुके हैं। भारत भी आधिकारिक तौर पर सबको समझा रहा है कि बीजेपी के वो प्रवक्ता शरारती तत्व थे। सारी गल्फ कंट्रीज भारत को आंख दिखा रही हैं। भारत की सरकार ने क्या किया है? भारत की सरकार ने कुछ नहीं किया है सिवाय अपॉलॉजी दर्शाने के। आंख में आंख डालकर बात करने वाले भारत को दो मूर्खों की वजह से सफाई देनी पड़ रही है। सारा किया धरा, सारी आग लगाई हुई बीजेपी की है और इसकी कीमत हमारे महान देश भारत को चुकानी पड़ रही है। मैं अगर गलत कह रही हूं तो मुझे टोकिएगा। हर देश भारत की निंदा कर रहा है। कितनों को समझाया जाए कि भारत सरकार और बीजेपी दोनों अलग अलग हैं। सबको मालूम है भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की प्रवक्ता मुस्लिमों के ईस्ट के खिलाफ टीवी पर बैठकर बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर जहर उगल रहे थे। हम संवेद नाम की वेबसाइट के मुताबिक खाड़ी देशों की नाराजगी के बाद बीजेपी ने चुने हुए नेताओं को अपनी जुबान पर ताला लगाने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि इन नेताओं के पिछले 8 सालों में यानी 2014 से मई 2022 तक के रिकॉर्ड को आईटी विशेषज्ञों की मदद से देखा गया तो यह पाया गया कि करीब 5,200 बयान गैर जरूरी थे। 2,700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, आईपीएल खत्म हो गया है लेकिन खेल प्रेमियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जून से क्रिकेट के तमाम टूर्नामेंट्स शुरू हो रहे हैं, जहां T20 है, टेस्ट मैच है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में भी T20 क्रिकेट मैचेस है। दोस्तों, वन एक्स बेट पर आप खेल कर ईमानदारी से पैसे कमा सकते हैं। मेरे प्रोमो कोड ULTA100 का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे तो पहले डिपॉजिट पर 26,000 रुपए खेलने के लिए आपको मिल जाएंगे। जीती गई रकम आप बैंक या पेटीएम वगैरह से आसानी से निकाल सकते हैं। कमेंट भी प्रोमो कोड का लिंक है। खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ख्याल जरूर रखिए। दोस्तों, बीजेपी ने अपनी राष्ट्र प्रवक्ता को पार्टी से हटा दिया है लेकिन मांग नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की चल रही है। दोस्तों, हम पाकिस्तान नहीं है या फिर हम दूसरे कोई कट्टर देश नहीं है। हम दुनिया के अकेले इकलौते ऐसे देश हैं जहां बोली, भाषा, यहां तक कि पेड़ पौधे, नदियों और हवाओं तक का सम्मान किया जाता है। तो फिर एक वर्ग के लिए इतनी नफरत क्यों? हम कट्टर क्यों बनना चाहते हैं? हमारे देश की ताकत उसकी विविधता में एकता से है। यही भारत को दुनिया में सबसे अलग और अनोखा बनाता है। दुनिया के 99% देश कट्टरता को फॉलो करते हैं। कहीं काले गोरे का झगड़ा है, कहीं ईसाई नॉन ईसाई का झगड़ा है, कहीं यहूदियों का झगड़ा है, लेकिन भारत देश के संविधान ने स्वयं भारत देश के भीतर सभी धर्मों को स्वतंत्रता से जीने, अपने धर्म को मानने, पूजा पाठ करने की इजाजत दी है, सबको बराबरी का अधिकार दिया है। तो फिर अलगाव और कट्टरता की बात क्यों? भारत के खिलाफ खड़े होने वाले के लिए वैसे भी भारत के कानून के मुताबिक भारत में कोई जगह नहीं है। भारत में मसले कानून से सुलझते हैं तो फिर डिबेटों में बैठकर भगवानों को गाली देने से क्या फायदा? कोई भी देश धर्म पर चर्चा करके, धर्म पर डिबेट करके आगे नहीं बढ़ सकता। डिबेट टेक्नोलॉजी पर करिए, डिबेट विकास पर करिए, डिबेट तरक्की पर करिए, लेकिन ये बहुत दुखद की बात है कि भारत में टीवियों पर धर्म के नाम पर मुर्गे लड़ाए जाते हैं। भारतीय मीडिया के इसी मुर्गा युद्ध का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत देश को भुगतना पड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करती हूं कि विवादित धार्मिक न्यूज कवरेज और उस पर होने वाली डिबेट्स पर प्लीज पाबंदी लगाई जाए। इससे आधी नफरत तो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ आएंगे तो सच कहने वाले मुंह और बढ़ जाएंगे। साथ आइए, झूठ का करिए मुंह काला और सच्चाई का रखिए बोलबाला। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करना मस्त है। नमस्कार।